मित्रों, आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और कुछ सवाल मुझे लगा कि उनके जवाब देना आपके लिए भी जरूरी है और केजरीवाल साहब ने कुछ सवाल मेरे ऊपर और मेरे जो महामंत्री हैं आशीष सूद जी उनके ऊपर ये लाजमी था और हमने ये प्रीएम्प्ट भी किया था गत दो तीन दिन चार दिन पहले जब आपसे बात हुई थी कि चुनाव सर पर है और जिस तरह से पहले हमारे एक महामंत्री रमेश विदुड़ जी के ऊपर तमाम तरह के एक अनर्गल आरोप केजरीवाल साहब ने लगाए थे और आज उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर लगाए हैं, तो उसका स्पष्टीकरण देना और उसके बारे में आपको उसकी सारी जानकारी होना निश्चित रूप से ज़रूरी है। मैं आशीष को भी कहूँगा, आशीष ने मेरे साथ काम किया है तो निश्चित रूप से कुछ जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिलने चाहिए। केजरीवाल साहब की दुख तिरक को क्योंकि हमने छेड़ दिया था और निश्चित रूप से केजरीवाल एंड कंपनी की जो झूठ फैक्ट्री है उस फैक्ट्री ने उनको लगा कि अब किसी तरह से हमारी दाल नहीं गल रही है तो हम कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत चीज़ों को, मैंने संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई गुनाह है और व्यवसाय के साथ साथ उसमें अगर आप व्यवसाय करते हैं और आप राजनीति नहीं कर सकते, आप व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं और मुझे तो गर्व है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर के, मैं बहुत मध्यमवर्गीय परिवार से आता हूं, मेरे पिता क्लर्क थे और मैंने मेहनत करके अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाया और पार्टी ने, मुझे गर्व है कि पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जिस तरह की बेबुनियाद, जिन चीज़ों का कोई सिर पैर ही नहीं है, और मैंने कहा था मेरे पास तो उनके 309 झूठ हैं और उन झूठ के बारे में निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे, आज उन्होंने दो तीन बातें ऐसी कही हैं, फिर एक और झूठ सामने उनका दिखाई दिया और मैंने मीडिया को भी कहा था, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप इस सारी संवेदनशीलता को जानते हैं, चुनाव के समय में किस तरह के मुद्दों को और किस तरह से उठाया जाता है। दो तीन बातें कहकर के मैं आशीष को कहूँगा, आशीष अपनी बात रखेंगे। एक तो उन्होंने तीन जो मुख्य आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि NCNL पावर प्राइवेट लिमिटेड, NCNL ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। नेट पर कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन तो दूर, हमें तो पता नहीं वो कंपनी क्या है और किस तरह की और ना कंपनी वो खुली, आप लोग नेट देख सकते हैं। और अगर ऐसा है, अब उन्होंने झूठ तो बोल दिया, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे, पहले भी वो इन सब चीज़ों में आ चुके हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है। और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे? और अगर सही हुई वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं, इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। आपके जो मन में आता है आप कुछ कहते हैं और आप कहकर के निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप देखिए कि उन्होंने पहले मुखी जी को CM घोषित कर दिया और आज अपनी प्रेस रिलीज में लिखित आया है कि सतीश उपाध्याय जब विपक्ष में नेता बन के बैठेंगे, अब नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया
नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, आशीष बैठेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को हम कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेरी कंपनी है, मैंने कहा कि मेरी 6 कंपनियां ना तो कभी मैंने बनाई ना है, नेट पर अवेलेबिलिटी है। और जो काम हमने किया है, बहुत फक्र के साथ हम कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाते हैं, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है। और राजनीति में जिस तरीके का भोंडापन वो कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं, मैं उनके परिवार की चीज़ें, उनके परिवार के बच्चों की चीज़ों को और अपनी चीज़ों को, मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीज़ों से अलग लगना चाहिए। और आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होता, शायद पता नहीं किसने उनको दे दिया, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं और बोला कि इन 2 कंपनियों में मैक्सिमम लेन देन हुआ है, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। और उस पर यह भी साथ में लिखा कि उनका नेट पर डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं 24 घंटे का समय उनको दे रहा हूँ, अगर वो कंपनियाँ एग्जिस्ट नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से, अगर करती होंगी या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। व्हाट आई एम सेइंग इट आई मीन इट। दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है, और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीज़ें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं क्योंकि आशीष का नाम भी उन्होंने लिया है। और क्या काम हमने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, क्योंकि उसमें छात्र संघ में हम दोनों साथ हम लोगों ने काम किया, यंग व्यवसायी हैं और यंग एंटरप्रेनर हैं, अपना काम करना, अपनी चीज़ें खड़ी करना। हमने बहुत गरीब मजदूरों को कुछ काम दिया होगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूँ आशीष को, और उनके लिए जो आरोप हैं केजरीवाल साहब के, मैंने कहा वो कह ही रहे हैं तो 2-4 चीज़ें ज़रूर अश्विनी जी को भी कहूँगा, वो अपनी बात कह देंगे, और उनको इस बात का जवाब इस बार कल ज़रूर देना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह की लिंकेज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, जिस तरह की मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कम से कम लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और सफ़ेद झूठ बोलना, इस पर उनको जवाब इस बार ज़रूर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनके ऊपर करेंगे। आशीष सूद धन्यवाद। केजरीवाल साहब ने आज मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोपों की प्रति आपको भी मिली होगी, इंटरनेट पे मुझे भी उपलब्ध हुई है। बहुत ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हम अपना कारोबार करते हैं। मैंने इंटरनेट पे आज देखने की कोशिश की कि केजरीवाल साहब ने अपनी वेबसाइट पर अपना व्यवसाय क्या लिखा है। 2012 में किताब लिखने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया अपनी वेबसाइट पर अपने करियर के बाद लिखा नहीं है, इंटरनेट पे अभी मैंने देखा था। मगर मुझे गर्व है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मैंने किन्हीं कंपनीज के लिए, और एक कंपनी के लिए हमने काम नहीं किया है केजरीवाल साहब ने, हमने BSES के लिए दिल्ली में काम किया। BSES के हम कॉन्ट्रैक्टर थे, BSES के लिए बहुत तरह की गतिविधियां हम किया करते थे, हम अपना निजी व्यवसाय करते थे, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कांग्रेस के राज में करते थे, जिसके साथ मिलकर केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई और जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसी पार्टी के राज में हमने काम किया था। मगर वो काम एक निजी, आज भी सैकड़ों 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 वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विभिन्न बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब क्या उन सबको और उन सब परिवारों को और वहां से जीवन यापन करने वाले लोगों को चोर साबित करना चाहते हैं? क्या वो शपथ पत्र पर ये लिखकर दे सकते हैं कि उनके यहां डिनर पे या चाय पर कोई भी बिजली कंपनी के साथ व्यवसाय करने वाला आदमी वहां पर चाय या डिनर पर नहीं गया था? अगर कोई गया था तो केजरीवाल साहब ने जितना चंदा लिया क्या वो काला पैसा गिना जाएगा?
ये बहुत अजीब सा उत्तर आज उन्होंने किया है। उनके प्रश्नों का उन्होंने दिल्ली की जनता का नाम लेके सवाल दागे हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा है कि दिल्ली की जनता सवालों का जवाब मांगती है। दिल्ली की जनता का हम आदर करते हैं और दिल्ली की जनता को सब चीज पता होना चाहिए। उन्होंने लिखा, बिजली कंपनियों का माल सप्लाई करने के लिए भाजपा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बनाया? पहले तो उनके फैक्ट्स यहीं से गलत शुरू हो जाते हैं। संजोग से पिछले 4.5 महीने से मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नहीं हूं, अब मैं महामंत्री हूं। उनके फैक्ट्स यहां भी गलत हो जाते हैं। हमने 2012 के बाद बीएससीएस के लिए कोई भी कारोबार नहीं किया। बीएससीएस के उन्होंने बड़े टीडीएस सर्टिफिकेट उठा उठा के, मैं देख रहा था एक चैनल में दिखा रहे थे, उसकी डेट मांगी है। 2012 अप्रैल के बाद से बीएससीएस के साथ हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। हमारा क्लाइंट टोरेंट पावर भी है, हमारा क्लाइंट फेडरल लॉयड्स भी है। हमने टीकमगढ़ में भी व्यवसाय किया, हमने आगरा में भी व्यवसाय किया। हम व्यवसायी हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, राजनीति करते हुए जीवन यापन भी अपना करते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि कितने मीटर खरीदे और कितने मीटर बेचे। मैं इस बात का दावा करता हूं, मैं आज तो केजरीवाल साहब पूर्व विधायक हैं, मैं वर्तमान में भी निगम पार्षद हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और केजरीवाल साहब अपनी अपनी राजनीति को छोड़ दे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ दे, अगर वो एक भी मीटर खरीद हमारी कंपनी के नाम पर दिखा दे और उसको हमने बेचा हुआ दिखा दे। हम तो साहब मजदूर के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, अपना कारोबार करते थे और हम कॉन्ट्रैक्टर थे, इरेक्शन का काम करते थे, गड्ढा खोदते थे, उसमें केबल बिछाते थे, हम अपने मीटर लगाते थे, हम और 50 तरह के काम उनके लिए करते थे। इसलिए उनका ये भी जो सवाल है कि हमने वो खरीदे मीटर खरीदे और बेचे, हमने कोई मीटर से संबंधित खरीद फरोख्त का काम हमने उनके साथ बिजली कंपनियों के साथ नहीं किया। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि भाजपा ने बिजली कंपनियों के मालिक अनिल अंबानी को स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। स्वच्छता अभियान से तो आज तक के लोगों को भी जोड़ा गया है। ये सेंसेशन फैलाने की बातें हैं। अब आज कोई ये कहने लगे केजरीवाल साहब ने टाटा में काम किया था और टाटा दिल्ली में बिजली को सप्लाई करती है, तो इन सब के बारे में कोई बेतुके सवाल केवल सेंसेशन फैलाकर, जैसे कल अंडे टमाटर वाला सवाल उठाया गया था, ये ठीक उसी प्रकार स्वच्छता अभियान से जोड़ दो ताकि प्रधानमंत्री के साथ इसको जोड़ते हुए, दिल्ली भाजपा के साथ जोड़ते हुए इसमें सेंसेशन फैलाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का उन्होंने काम किया है। हमने किसी भी किस्म की, और सबसे बड़ा इल्जाम जो उन्होंने लगाया दो कंपनियों में, जिसपे उन्होंने कह दिया कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है, वे लोग तो बड़ी बड़ी सरकारों के, बड़े बड़े केंद्र सरकार तक के पर्दाफाश उन्होंने आरटीआई लगा के किए। आज उनको अनट्रेसेबल क्यों है ये रिकॉर्ड्स? क्योंकि इन रिकॉर्ड्स में इन कंपनीज के नाम पर, जिन कंपनी एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और एनसीएनएल पावर लिमिटेड, इन दो कंपनियों के नाम पर उन्होंने कहा है कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लेन देन हुआ है। रिकॉर्ड अगर यहां नहीं मिल रहा है, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, पत्रकार जगत के माध्यम से, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, आरओसी की दफ्तर से रिकॉर्ड्स गायब होना कोई आसान काम नहीं। इसका मतलब सारी दुनिया ही गलत है और केजरीवाल जो कहे वही सही है। अगर उनके पास इसमें कोई लेन देन का सबूत है तो उन सबूतों को केजरीवाल साहब को हमें प्रस्तुत करना चाहिए, और अगर कोई उसमें कुछ भी किस्म का गलत है तो उसको साबित करके कानून अपना कोर्स ले। केवल मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया है जिसको उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम, हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को भी असलियत पता चले कि नए तरीके से राजनीति करने का अहंकार और दम्भ रखने वाले लोग कितनी ओछी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, प्रधानमंत्री ने तो केवल राजनीति करने के तरीके पे इल्जाम लगाया था, तो उन्होंने ये कहा था मैं व्यक्तिगत इल्जाम नहीं लगाता हूं। आज उन्होंने इस पत्रकार वार्ता में लिखित रूप से जो कागज बांटा है, नाम लिखकर उन्होंने क्या किया है, और अगर आप लोगों को याद हो, रमेश बिधूड़ी जी यहां बैठे, आप सबने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया था। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के चुनाव के समय में उनके कैंडिडेट
के संदर्भ में हमने आज उस दिन ये कागज प्रस्तुत किए थे कि कर्नल देवेंद्र सहरावत रिलायंस पावर के कर्मचारी हैं बेंगलोर से, और इस तरह के हमने कुछ कागज प्रस्तुत किए थे। आज जल्दबाजी में क्योंकि समय कम था उन कागजों को दोबारा लाकर हम कर नहीं पाए हैं, वो भी कागज जल्द ही हमें दिखाएंगे। अगर वो कागज भी सत्य हुए और उन्होंने जिनको टिकट दी है, और अगर वो भी कागज जब प्रस्तुत किए जाएंगे तो केजरीवाल साहब क्या एक्शन लेंगे, इस संदर्भ में भी सोच उनको जवाब देना चाहिए। तो आपको आपने जो कंपनियों का नाम बोल लिया वो ठीक है, एक एमसीएनएल इंफो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, जी देखिए सुनिए, मेरी कंपनी, उन्होंने जो 5-6 कंपनी बोली है, न्यू दिल्ली कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड मेरी 1996 की कंपनी है, जिसमें मैं मीडिया एजुकेशन का काम करता हूँ, पत्रकारिता का काम करता हूँ, जिसमें 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन, अब फिर मैं प्रमाण से कह रहा हूँ, 1 रुपए का भी पावर का ट्रांजेक्शन BSES या किसी पावर कंपनी से, देश की किसी कंपनी से आज तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है, एक भी। मेरा इंस्टीट्यूट है मीडिया का, मैं मीडिया के बच्चों को, और अध्यक्ष बनने के बाद मैंने अपनी, चूंकि राजनीति कर रहा हूं, सभी कंपनियों से ऑफिशियली मैंने रिजाइन भी किया है, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते आप, क्योंकि उस पर मेरे इंटरेस्ट का सवाल लगेगा, इसलिए मैंने उनसे रिजाइन किया। लेकिन NCNL जो मेरी कंपनी है, मेरी अपनी कंपनी है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसमें मीडिया एजुकेशन का काम करता हूँ, मीडिया प्रोडक्शन का काम हमारी कंपनी ने किया है, समाचार बनाने का काम किया है, ये सब हमने काम किया है। उसके साथ एक कंपनी उन्होंने दी, फेब्रिरॉन ट्रिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमने आज से कई साल पहले बनाई थी, उसमें कोई 1 रुपए का ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, कंपनी में कुछ काम ही नहीं हुआ, और कंपनी को वाइंड अप हमने कर दिया, ROC पर उसकी सारी अवेलेबिलिटी है। इन्फो मीडिया में जो आशीष ने बताया, निश्चित रूप से IT और देश में अपना रोजगार करने का काम हमने बहुत फक्र से किया है, हमने कोई एक भी मीटर, जो आशीष ने कहा मैं उसी बात को कह रहा हूं, एक भी मीटर हमने कोई ना सेल परचेज किया, ना हमने किसी को सेल ऑफ किया, केवल गरीब लोगों को जो मीटर इंस्टॉलेशन केबल लिंक के काम जो है वो निश्चित रूप से करते हैं, इतना है। मैंने कहा एक भी मीटर, आप ट्वीट को बता दीजिए, हमने एक भी मीटर सेल परचेज नहीं किया, उनको कर दीजिएगा ट्वीट साहब। केजरीवाल साहब को एक मैं पांच सवाल जरा अपने रखिए, कभी परचेज करके लगाया है, कैसे करते क्या थे आप, ये सब प्रफुल्ल हमने बताया कि हमने, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने एक भी मीटर ना खरीदा है, ना परचेज किया है, और ना ही सप्लाई किया है। निश्चित रूप से आशीष ने बताया ना, अभी ऐसे हम लोग BSES के और ऐसी अनेकों कंपनी की जो पावर सेक्टर में काम करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उस कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते 50 तरह की केबल लेने की, टावर्स लगाने की, पैनल्स लगाने की, मीटर्स लगाने की, पैनल पे मीटर लगाने की, ऐसी 50 एक्टिविटी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, 2012 के बाद, मार्च 2012 के बाद एक टके का भी व्यापार BSES के साथ हमने नहीं किया है, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। मैंने कहा ना हम कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब सीधा सीधा है कि आपका नाम किसी भी तरह से अंबानी परिवार से जोड़ने के लिए लगाए जा रहे हैं आज पे आरोप, क्या आप ये कह सकते हैं आपका आपके परिवार का अंबानी से कोई संबंध नहीं है? नहीं, मेरा अंबानी से क्या लेना देना, मेरा अंबानी परिवार से कोई संबंध नहीं है। मैंने जो आशीष ने कहा, फेडर्स लॉयड है, BSES है, अलग अलग कंपनी है, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल के जो काम किए हैं निश्चित रूप से किए हैं, और मेरा अंबानी परिवार से कोई लेना देना नहीं। एक ट्रक चलाने वाला आदमी अगर किसी के ट्रक चलते हैं और उसके ड्राइवर से कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कहा जाएगी भाई मर्डर तुमने कर दिया, तो ये तो साहब हम व्यवसायी लोग हैं, हम लोग सब कारोबार करना। केजरीवाल साहब तो शुचिता की राजनीति और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मैंने अगर व्यवसायी रहते हुए राजनीति में ईमानदारी से काम किया तो केजरीवाल साहब उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आज अगर इन चीजों को खोजा जाए
राजनेताओं के संदर्भ में जो बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते हैं, तो अगर हम व्यवसायी होते हुए फर्स्ट जनरेशन, आई एम प्राउड टू बी अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड अ फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। लेकिन लेकिन आशीष जी और सचिन जी दोनों से आपसे मेरा सवाल है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लगते हैं डिस्कॉम पर ज्यादा बिल वसूलने के या फिर चीटिंग करने के से, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, आपकी कंपनियों ने उनके साथ किसी न किसी रूप में बिजनेस किया हुआ है। 2012 के बाद तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना, मार्च 2012 से तो एक रुपए का व्यवसाय नहीं है। केजरीवाल साहब दिखाएं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो तब होगा कि जब काम कर रहे हैं आप। अश्वनी जी कुछ कहना चाहते, एक मिनट हाँ एक बार अब बताइए बताइए। तो आप कॉन्स्टेंटली आप बोल रहे हो, ट्वीट्स भी आ रहे हैं, जरूर आपको पढ़ के सवाल ही सुना देती हूँ। सतीश जी इज डाइवर्टिंग द इशू, फॉरगेट अदर कंपनीज, हैज ही नॉट बीन अ डायरेक्टर एंड शेयरहोल्डर इन एनसीएनएल इंफो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड? They did not supply meters to BSES. Not at all. Not even a single meter. Not even a single meter. I am not diverting the issue. He is completely misleading the media. On record, I am saying. And why leave other companies? Didn't he allege that a lot of money has been transacted in these two companies? Why we leave other companies? He alleged that a lot of money has been transacted and siphoned through these two companies. Why should we leave these companies? He is a liar. He has lied. और हम तो कह रहे हैं कि वो ट्वीट करने की बजाय यहीं आकर के पूछ लेना जो पूछना है, गुमराह करने वाले ट्वीट क्यों? Not even when I'm saying not even a single meter. Please note this. कितनी बार आप कहलवाना चाहते हैं? अगर ये सच नहीं हुआ, एक मिनट अगर ये सच नहीं हुआ, हमने एक भी मीटर ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं, अगर हमने एक भी मीटर सप्लाई, एक मिनट देखिए, अगर कोई अलग क्वेश्चन है, एक बार छह बार हम कह चुके कि हमने कोई मीटर, उसी ट्वीट्स को आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं, अरे हमारे सवालों का आप उनके मकसद में सफर कर रहे हैं, क्योंकि जनता में जाने में अंडे पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं, वो मीडिया के माध्यम से चर्चा में बना रहना चाहता है। अलग अलग बातें एक बार सती जी, एक सवाल ये भी उन्होंने कहा कि ये जो पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास पहुंचे हैं, जो भी तथा कथित जो भी कंपनीज हैं, वो बीजेपी के ही एक वरिष्ठ लीडर ने हुए हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है किस लीडर ने? तो जो कंपनी के बारे में झूठ बोल सकता है, वो लीडर के बारे में भी झूठ बोल सकता है। झूठ की फैक्ट्री है। पुराने जमाने में जब हम, आप मुझे बताइए, लेकिन मेरा आपसे एक कहना है, मेरी आपसे एक विनती है। आपने मेरे से 5 बार पूछा और 5 बार मैंने जवाब दिया कि हमने एक भी मीटर सप्लाई नहीं किया। अगर ये सच है और होता है तो, और मैंने कहा कि मैं 24 घंटे का, मैं 12 घंटे का उनको कल तक का टाइम दे रहा हूं, क्रिमिनल डिफेमेशन दोनों कंपनियों के बारे में, जिन कंपनियों के नाम उन्होंने लिए हैं, मैं निश्चित रूप से डालने वाला हूं। और ऐसा नहीं है, वो आप जितना मर्जी आप भी सर्च कर लीजिए, तो क्या वो राजनीति छोड़ेंगे या झूठ चलता रहेगा? मैं इस बात का जवाब, क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में अखबारों की सुर्खियां बने, मीडिया की हेडलाइन बने, दिल्ली की जनता गुमराह हो, लोगों को इस तरह का करेक्टर एसेसिनेशन हो, मैं ये साफ कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि अगर हमने एक भी नहीं किया और दोनों कंपनियां नहीं निकली, तो क्या वो राजनीति छोड़ेंगे, मेरा सवाल है। और कुछ सवाल, और इसलिए ओपनली कह रहा हूं, मैं चीजों को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहता हूं, आप मेरी बात समझिए, क्योंकि अब राजनीति जिस तरीके से हिट एंड रन वाली नहीं होगी, हम इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आप भी, आपके पास भी समय है, आप भी नेट से भी हैं, जाकर के पता करिए, ये दोनों कंपनियां जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन हुआ है,
एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, बनी ही नहीं बनी। एक मिनट, बताओ आशीष। जाबर जाबर, देखिए हमने ये आशीष ने आपको बताया 2005 से लेकर के क्या होता है कि एक साल के ऑफ एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट कभी होता है कभी नहीं होता, अलग अलग कंपनियों के लिए करते हैं। जॉब वर्क है, जॉब वर्क है, ये जॉब वर्क है और ये कोई बहुत लंबे करोड़ों का वर्क नहीं है, ये जॉब वर्क है जो लगातार कंपनीज करती हैं। आशीष ने आपको बताया है, अश्विनी कुछ कह रहे हैं, अश्विनी आप बताइए। मित्रों मुझे लगता है कि जितने उधर से ट्वीट आए और जितनी पीसी हुई उसका जवाब मिल गया है। दो तीन सवाल है जो अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए। पहला तो ये, पिछले 10 सालों में विदेशों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितना माल मिला ये बताएं। दूसरा, अपनी जर्मनी यात्रा के बारे में चुप क्यों बैठे हुए हैं वो बता। एक मिनट रुकिए, पैसा, माल का मतलब पैसा, माल का मतलब पैसा। पिछले दस सालों में बोलो जर्मनी, और वो बताएं कि कांग्रेस नेता आशीष तलवार के साथ वो जर्मनी क्या करने गए थे, और उसी कांग्रेस के नेता को उन्होंने आम आदमी पार्टी का दिल्ली प्रदेश का संयोजक बनाया, इसमें क्या लिंकिंग है। नंबर टू, आशुतोष के अंबानी की कंपनियों में कितने शेयर है। नंबर तीन, उन्होंने मीरा सान्याल जो एक एनजीओ चलाती है प्रधान, उसको पिछले 10 सालों में विदेशों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी फंडिंग हुई। नंबर फोर, योगेंद्र यादव को सीएसडीएस के माध्यम से या अलग तरीकों से पिछले 10 सालों में विदेशों से कितनी फंडिंग हुई, ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इसका आप जवाब दीजिए। आशीष, चलो एमसीडी के पार्षद की जानकारी मैंने ली है और वहां से सांसद रमेश जी बैठे हुए हैं, रमेश जी उसकी जानकारी दे देंगे। मैं दे देता हूं, सुनिए इसमें एक सवाल का जवाब दे दो, सवाल का जवाब दे दो। विषय आज जो आप कोई, देखिए आज ये दिल्ली की जनता के नाम पर जो गंभीर सवालों को खड़ा किया गया था, इस संदर्भ में इसके बाद आप जानकारी ले लें जो जानकारी चाहिए, हमारा कोई प्रवक्ता है आप देंगे। परंतु ये बार बार ये एक गंभीर विषय, उन्होंने दिल्ली की जनता के नाम से सवाल पूछे थे। पार्टी में बहुत सारे लोग क्यू में है, ज्वाइन करेंगे तो आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।